Fukushima radioactive contamination from Japan has already reached east coast of Hawaii, and strangely, around the same time, Sonia Gandhiji passed her favorite bill, the food security bill. Is it a conspiracy? Maybe. But what the hell? We are not bothered about the harmful radiation which will reach the coast of India soon. What concerns us more is that there is no mention of Sonia Ji's favorite food, pasta, being distributed free in the food security bill. Now, this really sucks. Jai Hind. नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी आपके यहाँ गुड हो रहा हो, हमारे यहाँ गुड नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ चुद रहा होता है. नथिंग गुड, ओनली चुद. और इन्हीं मीठे शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का जय हिंद. सबसे पहले सोनिया गांधी ने अपना फेवरेट फूड सिक्योरिटी बिल पास कर दिया है. आई मीन लोकसभा ने उसे पास कर दिया. इस बिल पर इतनी चर्चा हो चुकी है कि लोग कंफ्यूज हो गए और कहा पास कर दो ना वेंचर्स करके, बाद में देखा जाएगा जो होगा देखा. जो कि यूपीए गवर्नमेंट की हर पॉलिसी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. हाँ, वैसे इस बिल पर पीएचडी स्कॉलर से लेकर गली के चिल्लर तक हर किसी ने अपनी विशेष टिप्पणी दी है. ये देखकर सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि फाइनली उनकी फीलिंग्स को समझने वाला अब और कोई है. फूड सिक्योरिटी बिल को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वो ये इंश्योर करता है कि गरीबों को बहुत कम दामों में अनाज मिलेगा और उनके घर में खाना बनेगा, ताकि जब राहुल गांधी उनके घर खाना खाने जाए तो उनको खाने को मिले. जब ये बिल पास हो रहा था तो सोनिया जी बीमार पड़ गई और उन्हें AIIMS ले जाना पड़ा. लगता है उनके गले में खाना अटक गया. जोक सपाट, इस बिल के बारे में ज़्यादा चर्चा करना मतलब वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इफ़ हिस्ट्री इज एनीथिंग टू गो बाय, इसका भी यूपीए की बाकी स्कीम्स वाला हाल होगा. मतलब घंटा कुछ नहीं होगा. चलिए छोड़िए, सोनिया के फेवरेट फूड सिक्योरिटी से चलते हैं उनके दामाद जी की ओर, यानी कि रॉबर्ट वडेरा के पास. वडेरा साहब अपनी सासू मां के दम पर काफी हवा में उड़ते हैं. या मतलब ये तो हमने देखा ही था. लेकिन उनकी डीएलएफ के साथ की गई लैंड डील पर ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका ने कई सवाल उठाए. उन पर आरोप लगाया कि ये डील जाली पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स से की गई है. इसकी सफाई देते हुए हरियाणा चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड़ा ने कहा कि इसमें कुछ लीगल नहीं है, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को अपना लैंड डेवलप करने और बेचने की इजाजत है. अच्छा, मतलब रॉबर्ट वडेरा स्मॉल फार्मर है? अगर रॉबर्ट वडेरा स्मॉल फार्मर है तो क्या राहुल गांधी उनके खेतों में काम करने वाला छोटा गुल्लू है? फिर क्या प्रियंका गांधी उनके लिए रोटी सब्जी बनाती है और उन्हीं खेतों में ऐसे चलते हुए ऐसे आती होगी, या फिर कब रॉबर्ट थका माया हारा घर आएगा ऐसे राह देखती होगी? अगर रॉबर्ट वडेरा स्मॉल फार्मर है तो उन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी सुसाइड कर सकते हैं. एक्चुअली उनके परिवार में कई लोगों ने ऑलरेडी सुसाइड किया हुआ है. उनके पास फिरंगियों को ले जाना चाहिए टू शो देम द रियल पुअर इंडिया. उनको कांग्रेस के अगले इलेक्शंस के एड में फीचर करना चाहिए. हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण,
स्मॉल फार्मर इतना आगे बढ़ गया है कि यूपीए चीफ की बेटी से उसकी शादी हो गई। क्या चूतिया पाई है। अच्छा, पर ये अकेले नहीं है, ऐसे और बहुत है। हाँ, उन्हीं को लेकर मैं वापस आऊंगा। आ देखते रहिए, आ जय ओ बजाओ। मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। जी, यहाँ आप सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट के लिए मैं कमिश्नर साहब को एडवांस में जय हिंद रत्न का अवार्ड देना चाहता हूँ। हाल ही में मुंबई में एक फोटोग्राफर का गैंग रेप हुआ और इस इंसिडेंट के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर, जी हाँ, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि क्या कहा, सॉरी, ये सुनिए कि ऑन वन हैंड यू वांट प्रोमिस्क्यूस कल्चर एंड ऑन द अदर हैंड यू वांट सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द पीपल। मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स। जी हाँ, यहाँ आप सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट के लिए मैं कमिश्नर साहब को एडवांस में जय हिंद रत्न का अवार्ड देना चाहता हूं। क्या बात कही आपने, वाह वाह। इनका कहना यह है कि दूसरे लोगों को किस करता देख सिंगल लोगों का रेप करने का मन करता है, ऐसा है मानना इनका। तो मुंबई पुलिस के लॉजिक के हिसाब से, बाय द लॉजिक नॉट आस, ओके, उनको एक डेटिंग सर्विस खोल लेनी चाहिए। जो भी सड़क पर कपल्स को घूरता हुआ नजर आया ना, सबको डेटिंग सर्विस में रजिस्टर करवा दो और लड़की से मिला दो। वैसे भी मुंबई पुलिस कपल्स को पकड़ने में बिजी रहती है, रेपिस के लिए उनके पास कहाँ टाइम है, बोलो। मतलब इस घिनौने इंसिडेंट पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी है, हेमा मालिनी ने बहुत स्टेलर स्टेटमेंट दिए। शी सेड कि डोंट टेक इट सो इजी एंड गो आउट अलोन एट नाइट, देर इज नो कृष्णा टू प्रोटेक्ट द्रौपदी टुडे एज वी आर नॉट सो स्पिरिचुअल दैट गॉड विल कम टू सेव अस। मतलब अब हमें घर से बाहर जाने से पहले घर में हवन करवाना पड़ेगा। हवन, ये भी बड़ी घिनौनी स्टेप है, ये रेपिस्ट को एक्साइट कर देगी। हेमा जी, आप वाटर प्यूरिफायर ही बेचे प्लीज, हाँ भाई, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि स्पिरिचुअल होकर भी कोई फायदा नहीं है अम्मा, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग ही आपको मॉलिस्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल गुरु एंड अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाइड आसाराम बापू पर आरोप है कि उन्होंने एक 16 साल की लड़की को सेक्सुअली किया। क्या बोलो, अब बोलो। ये वही आसाराम बापू है जिनका सजेशन था कि लड़कियों को रेपिस्ट को भैया बुलाना चाहिए, इससे रेप रुक जाएगा। अपेरेंटली ऐसे मैं आपको बता दूं कि आसाराम बापू के करियर की शुरुआत शराब की बूट लेगिंग से हुई। वो गुजरात में दारू बेचते थे, पहले लोगों से चूतिया पा करने के पैसे लेते थे, अब डायरेक्ट चूतियों से ही पैसे लेते हैं। एनीवे, मूविंग ऑन टू फर्दर डिप्रेसिंग थिंग्स, रुपी का भाव गिरता ही गया है। डॉलर के 58 रुपी से, 60 से, 65 से, 68 से, पता नहीं क्या। आई विल अवॉइड ऑल जोक्स रिलेटेड टू 69 प्लीज, हाँ, क्योंकि ट्विटर पर लोगों ने ऑलरेडी मार दिए हैं। तो हाँ, इसी बात पर हमने रिसर्च करके एक लिस्ट बनाई है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर लोअर देन अ रुपी। तो पेश है अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि रुपी के भाव से भी कम है। नंबर 5 पर है नंबर ऑफ पीपल इन द कांग्रेस जो कि देश के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। नंबर 4, नंबर ऑफ पीपल इन द बीजेपी जो कि सोच सकते हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ केसेस जो सीबीआई ने सॉल्व किए हैं। नंबर 2, पूनम पांडे का वार्डरोब कलेक्शन। नंबर 1, प्रतीक बब्बर की फिल्मों
कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अरे हाँ, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से याद है कि चेन्नई एक्सप्रेस बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई है। जोरदार बजाओ तालियां। क्या बजा रहा है? वो कंफ्यूज हो जाता है क्या बजाऊं। ऐसा पेपर्स में आया है। हाँ, फिर एक और रिपोर्ट आई कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद अभी भी थ्री इडियट्स ही टॉप ग्रॉसिंग फिल्म है। यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस अब भी चेन्नई एक्सप्रेस है। नहीं, जो इतना ही रिसर्च असली इन्फ्लेशन और इकोनॉमी पर करते ना, तो शायद देश का हाल इतना बुरा नहीं होता। फिर आ गए बकवास बोल पे हमला बोल और सविता भाभी हिलना भी मत और हिलाना भी मत। ज्यादा जल्दी है तो क्लिक करके नेक्स्ट सेगमेंट अभी देख सकते हो। बजाओ। कांग्रेस ने कहा भाजपा को भगवान ही बचा सकता है। भाजपा फिर भी बेहतर स्थिति में है क्योंकि कांग्रेस को तो अब भगवान भी बचा नहीं सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मोदी को अनूठा सबक सिखाएंगे। वो क्या है कि गुजरात का विकास मॉडल कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर देगा। फिर एक बार मेरे साथ है बकवास प्रसाद और उसकी पोथी जिसमें फूले नहीं समा रही है हाल में हुई बकवास पूर्ण बातें। चल जमूरे पन्ने खोल, बकवास बोल पे हमला बोल। मनीष तिवारी ने कहा जनता पिछले 9 साल का काम देख कर वोट देगी। हाँ, आपके कहने का मतलब है कि विपक्ष 100% जीतेगा। चिदम्बरम ने कहा मोदी को लेकर हर जगह विवाद है। हाँ, विवाद तो है क्योंकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मोदी के पक्ष में वो भी वोट दे सकते हैं। कांग्रेस ने कहा भाजपा को भगवान ही बचा सकता है। भाजपा फिर भी बेहतर स्थिति में है क्योंकि कांग्रेस को तो अब भगवान भी बचा नहीं सकते। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो मोदी को अनूठा सबक सिखाएंगे। वो क्या है कि गुजरात का विकास मॉडल कांग्रेस शासित राज्यों में लागू कर देगा। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। इस पर मनमोहन ने कहा है कि पार्टी के ऐसे नियमों की वजह से अंधे के हाथ बटेर लगते हैं और मेरे जैसे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये मुहावरा हमारी पार्टी की वजह से ही बना। हेमा मालिनी ने कहा है कि पहले की अपेक्षा अब फिल्मों में काफी नंगापन आ गया है। हाँ, इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि मैं अब फिल्मों में भी काम करूंगा। राहुल गांधी को भेजा गया आखिरी टेलीग्राम जिसमें राहुल को देश का भला करने के बहुत सारे सुझाव दिए गए जिसके बारे में राहुल बाबा बाद में कहेंगे कि उन्हें टेलीग्राम मिला ही नहीं। मनीष तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की जीत राहुल जी पर निर्भर करती है। बस आपको देखना ये है कि राहुल बाबा कहीं से खड़े ना हो जाए बस। यूपी सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए ट्रेनों में CCTV लगाएंगे। लेकिन सारे नेता तो हवाई जहाज में सफर करते हैं। चिदम्बरम ने कहा राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त नहीं देखा। इसका मतलब आप कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कभी गए नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूछा संजय दत्त ने पुलिसगिरी क्या सोचकर की थी। अगर सोचकर की होती तो क्या की होती। पूनम पांडे ने कहा कि मैं किसी भी भाषा में फिल्म कर सकती हूँ। ये जिस तरह की फिल्में करती है उसकी भाषा हर आदमी समझ सकता है। अरशद वारसी का कहना है कि मैं कमाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। कमाने के बारे में अगर नहीं सोचे तो फिर फिल्में कम आने के बारे में तो सोचते। तुषार कपूर का कहना है कि उनको भी बड़े बड़े रोल ऑफर होते हैं। बिल्कुल, जैसे मामा का, दादा का, बाबा का, चाचा का, बाप का, ऐसे बड़े बड़े रोल, उम्र में बड़े बड़े रोल की बात करें। मनिंदर सिंह ने कहा धोनी दिमाग का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए जिस खिलाड़ी की तारीफ करते हैं उन्हें टीम में नहीं लेते। कांग्रेस ने कहा बिहार से देश को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता देश की भलाई के लिए कांग्रेस को वोट ना दे। कंगना रनौत ने कहा कि वो कुछ हट के फिल्में करना चाहती। इनकी जो भी फिल्म आती है 2-3 दिन में हट जाती है, और कितना हट के दे। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा मुलायम प्रधानमंत्री के दफ्तर में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है। इस पर मुलायम का कहना यह है कि हाँ, झाड़ू लगाना तो उन्हें नहीं आता पर बर्तन बड़े अच्छी तरह से साफ कर सकते। बेनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 50 सीटें मिलेंगी। इस पर उनके डॉक्टर ने कहा है कि क्या है कि बेनी को आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें हर नंबर के आगे उन्हें 0 दिखाई देगा। धोनी ने कहा कुछ खिलाड़ी मानसिक तौर पर थोड़े कमजोर होते हैं। हाँ, ये वो हैं जो स्पॉट फिक्सिंग के दौरान कम दाम पर ही हाँ बोल देते हैं जबकि संयम रखने पर ज्यादा माल मिल सकता है। कपिल देव ने कहा कि सुरेश रैना को मुश्किल परिस्थितियों में साबित करना होगा। इस पर रैना ने कहा कि उन्होंने कई बार साबित किया है कि मुश्किल स्थिति में वे फेल हो जाते हैं, अब और क्या साबित करना है। पवन बंसल को मिली क्लीन चिट। यानी चिट भी इनकी, पट भी इनकी।
राज बब्बर ने कहा लोग 12 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। डिश का नाम है ख्याली पुलाव। केजरीवाल का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। चलो देश की उम्मीदों पर फेरने के लिए केजरीवाल को झाड़ू तो मिला। बस प्रभु बस, अब बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। बोलो भैया, यही मेरी जिंदगी है। भैया तुम तो एक जरिया हो, क्योंकि दुनिया एक दरिया है, दरिये में है मोती। बंद कर बकवास की पोती। वैसे आज मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के मूड में नहीं हूँ। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आता। दिन रात में काम कर करके थक गई हूँ सुमित। आज ऐसे ही कुछ रैंडम बातें करते हैं ना। बकवास के बाद आप लोग बदहवास क्यों हो रहे हो? इसीलिए सीधे चलते हैं हम हमारे सेक्स आइकन के पास आज के सेक्सी टिप्स के लिए, सविता भाभी। सविता भाभी। सविता भाभी, हेलो, हाय। ओह हाय, हाय सुमित। हाय हाय। साधु संत येती घरा, तोची दिवाली दसरा। कहा है बोलतोस? हाँ जी हाँ, हिंदी में इसका मतलब यह है कि जिस दिन घर में साधु और संत आते हैं वही दिन होता है दिवाली और दशहरा। और तुम तो प्यार की, क्या कहें उसे, संतनी हो। कहा है बोलतोस? मुझे तो बस इतनी मराठी आती है। अपने भक्तों से कोई संत ज्यादा दिन दूर रह सकता है क्या? सच है सविते, सच है। तो आज किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? वैसे आज मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के मूड में नहीं हूँ। सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है, कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आता। दिन रात में काम कर करके थक गई हूँ सुमित। आज ऐसे ही कुछ रैंडम बातें करते हैं ना, प्लीज। दत्त नौटंकी। सीरियसली आज फॉर अ चेंज हम दोनों ऐसे ही कुछ अनशन गप करते हैं, ठीक है? सविता, तुम्हारा यूपी के आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति के केस के बारे में क्या ख्याल है? दुर्गा शक्ति, ये नाम सुनने के बाद किसी के भी, स्पेशली द सैंड माफिया के दिमाग में खूनखार टाइप किसी महिला की इमेज बन जाती है। यू नो, इमेजिन समवन हु लुक्स एंग्री एंड खड़ूस। इसीलिए वो दुर्गा से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो कैसा नाम रखना चाहिए? जैसे रख लो, कोमल कुमारी लियोनी। कोमल कुमारी लियोनी? यस, कोमल कुमारी लियोनी। इस नाम को सुनते ही यूपी के सैंड माफिया के दिमाग में एक सेक्सी एंड हॉट लड़की की इमेज बनती है। हाय, रियली? यस। एक बात इन फीमेल आईएएस ऑफिसर्स को समझनी चाहिए, मैरिड और नॉट मैरिड, जस्ट अपीयर सिंगल। खासकर जब आपके स्टेट का सीएम एक मर्द हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ ज्यादा ही एंटी फेमिनिस्ट रिग्रेसिव आइडिया नहीं है? Your job requires it, or else get a job at the church. Never underestimate the power of cleavage, Sumit. ये तो IAS की insult हो गई। Bureaucrats को एक और बात समझनी चाहिए। क्या बात समझनी चाहिए? That they are sex objects. No, stupid. कि IAS officer होना is like playing कौन बनेगा करोड़पति। इसमें हर गलत जवाब देने पर आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। आपके सही जवाब देने पर 40 मिनट के अंदर हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह पर तबादला हो जाएगा जिसका नाम आपके परदादा ने भी नहीं सुना होगा। समथिंग लाइक लहासा, तिब्बत। तिब्बत इंडिया में है, राइट? अरे मेरी भोली मुन्नी, तिब्बत इंडिया का
पार्ट है या चाइना का, या आज तक दलाई लामा भी समझ नहीं पाया। मैं उन चाइनीज घुसपैठियों को तो भूल ही गई। घुसपैठी, इट साउंड्स सो इरोटिक ना। अच्छा, एमपी के सोडोमी किंग एक्स मिनिस्टर राघव जी, रिमेम्बर हिम? नहीं, ये देखो, वो भी एक बड़े घुसपैठी है। एंड इन हिज केस इट साउंड्स रियली डिस्गस्टिंग। सुमित, नॉट ऑल रोड्स लीड टू रोम, सम रोड्स गो टू पेरिस टू। आई ओपनली सपोर्ट राघव जी। I just love a man who is not afraid to flood a cave. Any cave, any cave. ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, खासकर जब आपका servant naughty हो। I love naughty servants. Oh, that must be my naughty servant Ghanshyam. आज वो मेरी दीवार पर लगी जालियों को साफ करने आया है। Bye Sumit, I'm in hurry. क्या? बस मैं तुम्हें टीज कर रही थी। कितना मजा आता है पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें बोलने में। जाते जाते सुन लो, व्हाट आईएएस शुड एक्चुअली मीन? क्या? आई एम सेक्सी, आईएएस। वाह, क्या डेंजरस थॉट है। Whoa, that was a completely random, deliberately incitement-inducing and highly irresponsible, Savita. आप लोग भी जाओ, किसी के साथ ताली बजाओ, बजाओ। उंगली हिलाकर हाथ पीछे तो ले रहे। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कितनी उंगली हिलाओगे?